सब्सक्राइब कीजिए बजे इस बीड प्लेनेट चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियोस मिले सबसे पहले हर रोज़ और ये बिल्कुल फ्री है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो ऐसा है, कुछ आज आपको बताना है कि जो बजरीस को जो सर्दी लग जाती है यानी फ्लू फीवर और कोल्ड और कॉज यानी नज़ला बुखार और सर्दी और खांसी लग जाए तो उनको कैसे बचाएं। तो आज मैं आपको एक ऐसा सीरप बताऊंगा जिसमें ये चारों चीज़ों चारों बीमारियों का हल है, सही है ना। और ये मैं खुद भी यूज़ कराता हूँ और आज आपके साथ भी शेयर कर दूंगा। तो मेरे पे कुछ पैरेट को खांसी लग गई थी, कुछ पैरेट को खांसी हो रही थी, रात में मैं देख रहा था उनको खांसी हो रही थी, तो इस वजह से सोचा कि मैं चलो आपके साथ शेयर कर दूँ। तभी आप देख सकते हैं आज मैं दूर से ही वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पसंद आ जाए, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे यार आप वीडियो करीब से नहीं बनाया करो, ज़रूरी नहीं है आप अपने पैरेट दिखाओ, आप दूर से ही वीडियो बना के हमें दिखा दो। तो दूर से ही वीडियो बना रहा हूँ और आप देख सकते हैं मेरा पूरा ओवरव्यू आपको दिख रहा ही होगा, सही है। तो अभी चलें शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा जो नए हमारे व्यूअर्स जो हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा ताकि आप लोगों के लिए आगे मैं और भी वीडियोज़ बनाता रहूँ। और ऐसे आप मुझे कमेंट्स में बता दिया करें कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ताकि मैं उस टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँ, जो आपके लिए भी हेल्पफुल है और मेरे लिए भी हेल्पफुल। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपना कोल्ड्रिक से सीरप के बाद ले जाता हूँ, सही है। इस सीरप का नाम है कोल्ड्रिक, आप देख सकते हैं 120 ml है, सही है। फ्लू इसमें लिखा हुआ है साफ, फ्लू फीवर कोल्ड और काउच। व्यूअर्स इस पर लिखे हुए पे भी यकीन करें क्योंकि मैं यूज़ कराता हूँ, ये इन सब के लिए बहुत अच्छा सीरप है, सही है। इसमें फ्लू और सारी चीज़ों का बीमारी का असली में हल है, ये बिल्कुल वाकई में जो है ना आप देख सकते हैं यहाँ पे तरीका भी लिखा हुआ है और यहाँ उर्दू में लिखा हुआ है और यहाँ देख सकते हैं कोल्ड्रिक सीरप है कि आपको सबसे पहले जो काफ़ी लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कहाँ से मिलेगा, तो भाई इजीली जो मेडिकल स्टोर है जहाँ से लोगों की दवाइयाँ मिलती हैं वहाँ से मिल जाएगा ये इजीली मेडिकल स्टोर से। और इसके प्राइजेस मैं बहुत पहले लाया था, इसके प्राइजेस मुझे याद नहीं है, ये लिखे हुए यहाँ पर 64 rupees का है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं 64 rupees का है कोल्ड्रिक का सीरप, सही है। ये आप ले लें और ये रख लें, ये आप अब इसको यूज़ कैसे कराना है वो भी आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे डालना है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने सारे पॉट्स धो दिए हैं, ये देखें अच्छी तरीके से धोना है। अभी आप देख सकते हैं ये पॉट देखें, सही है। ये पॉट देखें, ये जो है इसमें काला कलर, ये सिर्फ कलर लगा हुआ है अंदर, पॉट के अंदर ही कलर है, ये गंदा नहीं है पॉट, सही है। ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथराई से धोने, सही है। पिछले बार का जो पानी होगा वो बिल्कुल निकल जाना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्योंकि देखें अगर पिछली बार हमने कोई मेडिसिन यूज़ कराई होगी और उसमें अगर ये मेडिसिन भी मिल गई खुदा ना खास्ता तो कुछ ना कुछ दूसरी भी चीज़ हो सकती है, यानी आपके पैर को नुकसान भी हो सकता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो पहले वाली मेडिसिन अच्छी तरीके से आपको पॉट को धोया ताकि वो जो पहले आपने जो भी यूज़ कराया हो मेडिसिन वो निकल जाए, और जो गंदगी इसमें जम जाती है तोते कर देते हैं, भुट्टा डाल देते हैं, कभी कुछ डाल देते हैं, तो वो भी साफ़ हो जाए ताकि मेडिसिन जो है अपना अच्छी तरीके से काम कर सके। तब ये देख सकते हैं मैंने बिल्कुल साफ़ सुथराई से सारे इनके पॉट्स धो दिए और वो है मेरी बोतल जिसमें मैं इनको बना के दूँगा। तो चले उस तरफ चलते हैं, मैंने कोल्ड्रिक का सिरप ले लिया है हाथ में और मैं आ गया हूँ, सही है ना। अभी बस ये मेरी कोल्ड, ये है मेरा पानी की बोतल है जिसमें मैं अपने पैरेट्स को बना के देता हूँ, क्योंकि मेरी जो है पैरेट्स की तादाद आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से मैं जो है इसमें बना के देता हूँ। लेकिन काफ़ी लोग तो 500 ml या 1 liter की बोतल या 1.5 liter की बोतल में बनाते हूँ, तो उनको मैं तरीका बता देता हूँ। देखें 1 liter की बोतल में ये एक ढक्कन डलेगा, सही है। 2 liter की बोतल में दो, जैसे जैसे लीटर बढ़ते जाएंगे उसमें ढक्कन भी आप बढ़ाते जाइएगा, सही है। अभी देखें मेरा तकरीबन ये जो होगा ये होगा 2.5 liter के करीब होगा, मेरा जो पानी इसमें 2.5-3 liter के करीब होगा। तो अभी इसका देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल अंदर से ऐसी निकलेगी, प्लास्टिक की बोतल है और ये देखें आप। और सबसे बड़ी बात बता दूं, जब भी आप मेडिकल से ये दवाई लें, ये मेडिसिन को लें, कोई सी भी मेडिसिन लें, ये नहीं बल्कि कोई सी भी मेडिसिन लें,
उसकी एक्सपायरी चेक कर लें। अब ये मैं काफ़ी टाइम पहले लाया था और ये एक्सपायर भी होने वाली है तकरीबन। अगर मैं आपको दिखाऊं सही से, ये देख सकते हैं इसकी 18/1/2017 में ये थी और 18/1/2019 बल्कि एक्सपायर नहीं होने वाली है। अभी इसको काफ़ी टाइम है एक्सपायर होने में, यानी मेरी ये मेडिसिन बिल्कुल काफ़ी टाइम है अभी इसको मेडिसिन होने में। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो जिन भाइयों को इंस्ट्रक्शन पढ़नी है वो पढ़ के यूज़ करा लीजिएगा, सही है। बाकी जिनको मैं बता रहा हूँ आप वैसे यूज़ करा लीजिएगा। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने बोतल का ढक्कन खोल लिया अपनी। अब पानी बिल्कुल साफ लेना है। पानी को बताऊँ किस तरीके से आप लिया करें, आपका ये जो पाइप है, मेरा जो पाइप है, इस पाइप के आगे जो है मैं कपड़ा लगाता हूँ। ये देखें आप, ये कपड़ा लगा देता हूँ इस पाइप के आगे, क्योंकि जितनी भी गंदगी आजकल आपको पता है पानी में बहुत ज़्यादा गंदगी आ गई है, तो वो गंदगी आ नहीं पाती है, सही है। साफ़ पानी जाता है, एकदम साफ़ पानी इसके अंदर जाता है। तो ये तरीका है, इस तरीके से देंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने ये समझ लें ढक्कन को इसमें रखा। अब आप देखें मैं किस तरीके से दे रहा हूँ। ये मैंने एक ढक्कन अभी बनाई, ऑरेंज कलर की मेडिसिन दवाई है ये, सिरप ऑरेंज कलर का, और ये मैंने इसके अंदर डाल दी, सही है। और अब फिर मैं इसको वापस ही रखता हूँ, इसमें इसलिए रख रहा हूँ ताकि कोई मेडिसिन मेरी ज़ाया नहीं हो, गिरेगी तो वो ढक्कन में गिर जाएगी, क्योंकि ये देख सकते हैं, ये देखें अब कुछ ज़्यादा ही हद से ज़्यादा ही आ गई है मेडिसिन, देखें कितनी गिर रही है। और ये ज़्यादा मैं ढक्कन पे गिरा रहा हूँ तो मेडिसिन बहुत ज़्यादा आ गई है, और ये हमने डाल दी है, ठीक है। इसमें बिल्कुल इसी तरीके से आपको देना है, सही है। अब मैं इसको मिक्स कर लूँ, फिर उसके बाद आपको फिर वीडियो फिर दोबारा से बना दूंगा, सही है। इसको पहले मैं मिक्स कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से आपको बोतल को बंद करके अच्छी तरह इसको मिलाना है, सही है। इसका कलर कुछ ऐसा हो जाएगा और इसके अंदर झाग बन जाएंगे, झाग बनेंगे तो समझ लें आपकी दवाई जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और जो है जल्दी असर करेगी, यानी जल्दी असर करेगी। मतलब मेरा कहने का ये है कि जल्दी असर करेगी, सही है। झाग लाजमी बनाने, अच्छी तरह उसको हिला लें। अब मैं इन सबको इनके पॉट्स में देकर फिर अपने तोतों को देने के बाद फिर आपको बताता हूँ कि इससे इसके इसको ज़्यादा यूज़ कराने के आपको क्या नुकसान हो सकते हैं, यानी कुछ और इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। तो चलें, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैंने जो है इनको पानी के पॉट्स दे दिए, और अभी आपको दिखा दूँ, ये मैं करीब से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अब मैं वापसी दूर जा रहा हूँ, ये देख सकते हैं हम काफ़ी दूर आ गए हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं सारे पेड़ जो हैं वो अपने बच्चों को भराना शुरू कर दिया है पानी पी के, सही है ना। अब आपको ज़रा कोल्ड ड्रिंक्स में जो है फ़ायदे और नुकसान बता दूँ। तो सबसे पहले मैं कोल्ड ड्रिंक्स का सिरप लाता हूँ, मेरा कोल्ड ड्रिंक्स का सिरप रखा हुआ है, सही है। ये मेरा मेडिसिन का वो है, आप देख सकते हैं कोल्ड ड्रिंक्स का सिरप है ना, सही है। अभी आप देख लें अच्छी तरह इसकी तस्वीर देख लें कि बिल्कुल यही सिरप लाना है, इसके अलावा कोई और लाएँगे तो उसकी फिर मुझे नहीं पता कि वो कैसा असर करेगा, सही है। इसका रिज़ल्ट तो मैं देख चुका हूँ, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो व्यूअर्स अब इसकी बात करते हैं, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा दोगे, यहाँ पे थोड़ा अंधेरा आ रहा है, अगर इसको आप बहुत ज़्यादा दे दोगे कोल्ड ड्रिंक के सिरप को, तो उससे ये होगा कि जो आपके पैरेट्स होंगे ना वो उनके मरने का भी खतरा होगा। क्योंकि देखें, एक अगर आप देखें मिसाल के तौर पर एक इंसान को एक पेनाडोल खानी चाहिए जब उसके सर में दर्द हो, अगर वो 5-6 खा लेगा तो ज़ाहिर बात है जो उसके सर का दर्द होगा वो तो ख़त्म नहीं होगा बल्कि उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि हद से ज़्यादा देने के लिए। तो फिर तो ये जानवर है, इसको हद से ज़्यादा अगर आप दे दोगे तो फिर वो इसके लिए नुकसान कर जाएगा, नुकसान करेगा। अब ये नुकसान क्या करेगा ये मैं नहीं बता सकता आपको सही तरीके से, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ अगर ज़्यादा दोगे तो मरने का ज़्यादा ख़तरा होता है। तो व्यूअर्स इसको बिल्कुल जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आपको देना है, सही है। और इंशाल्लाह इसको आपने तकरीबन जो है लगातार 3 दिन यूज़ कराना है, अपने तोतों को प्यासा रखना है, सही है। रात में पानी के पॉट निकाल दें, दिन में
हैं वो सुबह में ही सुबह ही आके उनको उनके पॉट धो के रख दें, सुबह सुबह आके उनको ये मेडिसिन बना के दे दें। ऐसे जब वो लगातार 3 दिन पिएंगे तो अगर उनको फ्लू हो रहा होगा तो उनका फ्लू भी ख़त्म हो जाएगा, सही है ना, और अगर इनको फीवर हो रहा होगा तो फीवर भी ख़त्म हो जाएगा, और अगर इनको सर्दी लगी होगी तो सर्दी भी इनकी जो है वो सही कर देगा ये, और जो खांसी लगी होती है मैं खांसी के लिए यूज़ करा रहा हूँ, अभी जो मैंने यूज़ कराया वो खांसी की वजह से यूज़ कराया, सही है, और ये खांसी को भी बहुत अच्छा जो है वो कर देगा। तो मैं दिखाऊंगा जब मैं वीडियोस आपके साथ तो शेयर करता रहता हूँ तो दिखा दूंगा कि अब मेरे पैर जो है वो बिल्कुल सही हो गए। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आया तो लाजमी लाइक ज़रूर कर दिएगा, वीडियो पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक्स नहीं आ रहे तो मुझे थोड़ी टेंशन होती है, तो यार प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो, जब मैं बोलता हूँ जब भी आप लाइक करते हो वरना आप नहीं करते हो यार, इसलिए मैं बोलता हूँ कि लाइक ज़रूर कर दिया करो। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।